दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं उसने आम आदमी पार्टी के साथ साथ केजरीवाल की भी किरकिरी करा दी है। चुनावी माहौल है और ऐसे में केजरीवाल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सोचिए स्थिति ऐसी हो गई है कि अंतरिम जमानत पर बाहर है और अब एक और मामले में फंसते हुए दिख रही है क्योंकि सवालों के घेरे में है लेकिन जवाब देते नहीं बन पड़ रहा। वो अलग बात है कि उनके पार्टी के नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालीवाल पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है, खबर स्वाति मालीवाल के आम आदमी पार्टी को छोड़ने को लेकर है। हालांकि एनएमएफ न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता लेकिन जिस तरीके का कदम स्वाति मालीवाल ने उठाया है उसके बाद माना जा रहा है कि उनका मोहभंग हो गया है आम आदमी पार्टी से। शायद इसीलिए स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर आम आदमी पार्टी से अपनी पहचान को पूरी तरीके से अलग कर लिया है और जो अब तक उनकी डीपी हुआ करती थी यानी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, उस तस्वीर को भी उन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रोफाइल को चेंज कर लिया है जिसमें उन्होंने खुद का परिचय सोशल एक्टिविस्ट, संसद सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के तौर पर दिखाया है। आम आदमी पार्टी से जुड़े होने के बाद उन्होंने एक्स हैंडल से हटा दी है। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल इस कदर आहत हैं कि वो आम आदमी पार्टी से खुद को अलग करना चाह रही हैं। हालांकि ये फैसला उनका ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में आतिशी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। आतिशी ने स्वाति मालीवाल को लेकर कहा था कि वो बीजेपी का मोहरा है, केजरीवाल जब से बाहर आए हैं तब से बीजेपी बौखलाई हुई है और इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए स्वाति मालीवाल ने भी जवाब दिया था। आतिशी ने क्या कुछ कहा था वो बयान आपको सुनवाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी अब छोड़ने के मूड में है, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप हमें जरूर दें। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर और उस एफआईआर में शामिल फैक्टशीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था, वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं,
वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिन्होंने उन्हें जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया है।